आगे बढ़ते हैं। यूपी में ऑपरेशन नेस्तनाबूत के तहत लखनऊ में बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की करोड़ों की लागत से बनी बहुमंजिला इमारत को प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज सुबह ये कार्रवाई की है और इस इमारत को गिरा दिया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिवर बैंक कॉलोनी में ये अवैध निर्माण चल रहा था। हाईकोर्ट और एलडीए ने इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। ये जमीन पुरातत्व विभाग के दायरे में आ रही थी, जिसके बाद कोर्ट में शिकायत हुई तो निर्माण तोड़ने के आदेश दिए गए। खबर पर बातचीत के लिए रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, कोर्ट के आदेश के बाद एलडीए की यह कार्रवाई, इमारत को गिराने का काम शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व सांसद है दाऊद अहमद, जिनको ये जो अपार्टमेंट बना रहे थे उस अपार्टमेंट को बताया गया कि ये अवैध है और ये पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण नहीं लिया गया था, जिसको लेकर के नोटिस भी दी गई थी। और उसके बाद फिर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, जो कि एलडीए के वीसी भी हैं, उनके निर्देश पर इस अपार्टमेंट को गिराया गया। ये 2017 में बताया जा रहा है कि बिना अनुमति लिए हुए, एनओसी लिए हुए दाऊद अहमद ये अपार्टमेंट बनवा रहे थे और इसकी वजह से इसको गिराया जा रहा है। ये 5 मंजिला अपार्टमेंट है और अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को फिलहाल आज गिरा दिया गया है। और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जो अवैध निर्माण होंगे उस पर एलडीए करती रहेगी। शुक्रिया फिलहाल आपका, आगे भी आपसे डिटेल्स हम लेते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।